हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं इतने खुश हूँ क्योंकि आज मैं आपके लिए लाई हूँ पोकेमोन बाइट वर्जन, एक पोकेमोन का न्यू गेम। तो ये देखिए गाइस, ये हमारा पोकेमोन बाइट वर्जन की स्टोरी। ये देखिए गाइस, ये है हमारी प्रोफेसर। पोकेमोन व्हाइट वर्जन का एक गेम एक और है जिसका नाम है पोकेमोन ब्लैक वर्जन। इन दोनों में एक ही डिफरेंस है। पोकेमोन व्हाइट वर्जन में एक वाइट कलर का बड़ा सा पोकेमोन रहता है जो आपने अभी देख लिया था, और पोकेमोन ब्लैक वर्जन में एक ब्लैक कलर का बड़ा सा पोकेमोन रहता है। ये देखिए गाइस, कितना बढ़िया गेम है। और ये है हमारी प्रोफेसर। अभी इनके पॉकेबल में से एक पॉकेमोन निकलेगा क्योंकि ये सब गेम में होता है। गाइस, आपको ये गेम बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि मुझे भी इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना ये गेम। गाइस, मैं एक गर्ल हूँ इसलिए मैं एक गर्ल लूंगी। यस, और मैं इसका निकनेम रखूंगी, वो तो आपको पता ही है। इसका नाम मैं सिर्फ टिया रखूंगी, टी आई वाई ए या। ओके, देखिए गाइस, मैंने अपनी प्लेयर का नाम रख लिया है टिया। गाइस, ये जो दोनों आप देख रहे हैं, ये है हमारे ही टाउन के पोकेमोन ट्रेनर्स। ये भी हम जैसे हैं। देखिए गाइस, हमारे टाउन में से ये तीन पोकेमोन ट्रेनर्स है, एक उसमें से एक हम है। पता नहीं गाइस गेम कब स्टार्ट होगा, पर फिर भी मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है। ऑटम गाइस, ये देखिए, ये है हमारा एक छोटा सा प्यारा सा टाउन। गाइज, ये देखिए, हम है अभी अपने रूम में, और ये है हमारे साथ के पोकेमोन ट्रेनर्स। और ये है हमारी एक और दूसरी पोकेमोन ट्रेनर्स, और ये भी एक गर्ल है जैसा कि आपने देख लिया है। गाइस, मतलब इस टाउन में मैं एक अकेली पोकेमोन ट्रेनर्स नहीं हूँ, इसमें मेरे साथ एक और गर्ल है। गाइस, ये जो आप देख रहे हैं एक गिफ्ट बॉक्स, उसमें थ्री पोकेबॉल्स। पहली बार, मतलब जितने भी मैंने पोकेमोन गेम खेले, मतलब ज़्यादा तो नहीं खेले, कम से कम तीन चार खेले, तो उस पहली बार ऐसे गिफ्ट बॉक्स में से हमें पोकेमोन चूज़ करना है। इतना तो मुझे पता है कि इसमें फायर टाइप, वाटर टाइप और ग्रास टाइप के पोकेमोन होंगे। गाइस, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि पता नहीं इसमें कैसे कैसे पोकेमोन होंगे। ये देखिए गाइस, इसमें है टैपिग, एक फायर टाइप पोकेमोन। सॉरी गाइस, क्योंकि मुझे ये जितने भी पोकेमोन सब आएंगे उसमें से, मतलब जितने पोकेमोन अब आएंगे वो मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, इसलिए मुझे इनके नाम नहीं पता। और इस पोकेबॉल में है ग्रास टाइप पोकेमोन स्नेवे शायद, और इसमें से प्यारा सा पांडा सरी का पोकेमोन है वाटर टाइप ओशावॉट शायद। हम चुनेंगे ये
सॉरी ये ग्रास टाइप पोकेमोन स्निवे। गाइस आज पता नहीं क्यों मेरे गले में कुछ हो रहा है, इसलिए मेरी आवाज कुछ अच्छी नहीं निकल रही है। गाइस अब ये भी अपने अपने पोकेमोन चूज करेंगे और हमें शायद इनसे फाइट भी करनी पड़ेगी। पता नहीं गाइस कितनी बातें करते हो। गाइस ये हमारा फर्स्ट बैटल बैंका के साथ, शायद इससे अपना पॉकेबॉल निकल नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा ही फनी है। वाओ इसके पास तो वाटर टाइप पांडा टाइप पॉकेमोन है। ऑशवॉट शायद। देखिए गाइस हमारी स्निवे कितनी बढ़िया है। हमारे पास अब एक लीर अटैक है और एक टैकल अटैक है। मुझे लीर अटैक तो कुछ काम का नहीं है, इसलिए हमें टैकल करना पड़ेगा। बस ऐसे ही ऐसे डिफेंस रूल ही करते जाओ ताकि हम जीत जाए आपसे। अब एक टैकल में तो बेचारे गया। मुझे पता ही था कि मेरे पोकेमोन से ज़्यादा कोई पोकेमोन ताकतवर नहीं है। ओह ये क्या हो गया? ओह अब समझ में आया, क्योंकि हमने हमारे रूम में ही बैटल कर लिया था इसलिए इस रूम की हालत ये हो गई। अभी तो शायद हमें इनसे भी पोकेमोन बैटल करना है। तो गाइस ये कितनी बातें करते हैं, इसीलिए मुझे गुस्सा आता है। तो गाइस ये है हमारा सेकंड बैटल, वो भी हमारे ही रूम में। इसने टैपिक लिया है फायर टाइप का। अगर जीत गए तो हम लेवल 6 पे पहुंच जाएंगे और हमारी पावर भी बढ़ेगी। गाइस बस एक टैकल और करना है, उसके बाद हमारी ही जीत हुई। यस बाय बाय गाइस, मुझे तो पता ही था कि हमें जीतने वाले हैं क्योंकि हमारे पोकेमोन जैसा कोई भी नहीं है। गाइस हम पहुंच चुके हैं लेवल 6 पे। मुझे इनके लिए बहुत ही दुख हो रहा है क्योंकि इन दोनों से ज़्यादा पावर मेरे पोकेमोन में है। वो दोनों तो चले गए। गाइस मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ क्योंकि ये बैकग्राउंड नॉइज है ना। देखिए गाइस शायद मॉम इनको चिल्ला रही है कि तुमने ये रूम की हालत क्या कर दी। आंटी आंटी देखिए टिया ने रूम की हालत क्या कर दी। हाँ हाँ आंटी देखो टिया ने हालत करी है। हम तो जाते हैं हमारी जर्नी पे। टिया क्या तुमने रूम की ये हालत कही है? जाओ अभी जाके साफ करो। नूनो मॉम मुझे अभी हमारी जर्नी पे जाना है। थैंक यू मॉम, आपने मुझे ये गिफ्ट दिया है।
गाइस मुझे ये डबिंग करने में इतना मजा आता है ना। बाय मॉम, मैं जल्दी लौटूंगी। देखिए गाइस ये सीन कितना अच्छा लग रहा है। गाइस पता नहीं हमें रनिंग शूज कब मिलेंगे और हम रनिंग कब करेंगे। देखिए ये रही हमारे साथ की ट्रेनर, और पता नहीं इस घर में क्या कर रही है। गाइस वो तो चली गई, अब हम भी चलते हैं। शायद मैं भूल गई हूँ कि हमें रनिंग शूज अभी तक मिले नहीं है। मैं बार बार दौड़ने की कोशिश कर रही हूँ। हम भी अंदर चल के देखते हैं कि अंदर क्या है। क्या, ओ अच्छा, ये लैब है और ये है हमारी प्रोफेसर। गाइस हम हमारे पोकेमोन का नाम रखेंगे, वो तो आपको पता ही है, जो हमने इसके पहले गेम में रखा था, सिल्वरी SI। LV आर वाई सिल्वरी। ओके गाइस हमने पोकेमोन का नाम रख लिया है सिल्वरी। गाइस अभी मैं अपनी वीडियो को पुश कर देती हूँ, जब हम आगे पहुँच जाएंगे मतलब इनकी बात ख़त्म हो जाएगी तो मैं वापस से वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस ये देखिए हमारा लैब का काम तो हो गया है, और हम जैसे ही बाहर निकले हमें देखा कि मॉम वहाँ पे ही खड़ी हुई है। तो गाइस प्रोफेसर ने हमें दिया था एक पॉकेडेक्स, उससे हम पोकेमोन के बारे में बहुत सी जानकारी ले सकते हैं। और अभी मॉम ने हमें दिया है टाउन मैप, वो हमारे जर्नी पे बहुत काम आएगा। पता नहीं गाइस मॉम भी कितनी बातें करती है। गाइस वो तो चले गए, अब हम भी चलते हैं। गाइस ये तो वापस ही मिल गए। अभी गाइस कुछ देर के लिए मैं अभी वीडियो को वापस से पुश करती हूँ। तो गाइस ये देखिए, जब आप वहाँ से आगे जाते हो तो आपको प्रोफेसर दिखती है, और प्रोफेसर अभी हमें पोकेमोन को पकड़ना सिखा रही है। तो गाइस अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, बस प्रोफेसर को देखते रहना है। देखिए गाइस प्रोफेसर को एक पोकेमोन मिला है, बहुत ही प्यारा पोकेमोन है वो भी। वो प्रोफेसर ने अब उसकी पावर बहुत कम कर दी है, अब पोकेबॉल फेंकेंगे प्रोफेसर और उसको पकड़ेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रोफेसर इस पोकेमोन को पकड़ लेगी। यस गाइस मुझे तो पता ही था कि प्रोफेसर इस पोकेमोन को जरूर पकड़ेगी। यहू वाओ गाइस, मतलब
प्रोफेसर का भी पोकेमोन कितना क्यूट लग रहा है, बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल प्रोफेसर जैसा। नो नो, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि प्रोफेसर भी एक पोकेमोन जैसी दिखती है। गाइस, प्रोफेसर ने हमें दी है पोकेबॉल्स। अभी हम हमारे बैग में जाकर देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। गाइस, जब ऐसे बातें करते हैं ना तो मुझे सच्ची में बहुत ही नींद आ जाती है। थैंक गॉड, ये मतलब इनकी बातें तो ख़त्म हुई। अब हमारे बैग में जाके देखते हैं गाइस कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए गाइस, हमारे पास है 5 पॉकेबॉल्स और इसमें कुछ कुछ भी नहीं है। गाइस, हमारे पास है एक टाउन मैप और एक्सटेंसिवर से पता नहीं क्या होता है, अ वेरी कॉन्वेंटेंट मैप दैट कैन बी व्यूड एनी टाइम इट एवन शोज योर प्रेजेंट लोकेशन। पता नहीं गाइस, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। गाइस, हमारे पास पोकेमोन तो अभी एक ही है, हमारी सिल्वरी। मुझे पक्का यकीन है कि आगे जाके हमें बहुत ही अच्छे पोकेमोन्स मिलेंगे और हम उन्हें जरूर पकड़ेंगे। गाइस, हम चलते हैं आगे और ये रहा हमारा फर्स्ट पोकेमोन। ओ गाइस, ये तो वही है, पार्ट्रेट नाम है शायद इसका। गाइस, हम अब इसको पकड़ने वाले। नो, क्योंकि मुझे अभी इस पोकेमोन की कोई भी जानकारी नहीं है कि किस टाइप का पोकेमोन है, इसीलिए अभी हम सिर्फ इससे फाइट करेंगे। गाइस, बस एक टैकल अटैक, बस एक टैकल अटैक में बेचारा गया। बाय बाय प्यारे पोकेमोन, मुझे तुम पर बहुत ही दया आई, पर फिर भी तुम्हें हराना ज़रूरी था। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं 7th लेवल पे और गाइस, हमारा एक अटैक खुला है, वो है वाइन वीप अटैक। यूहू, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। अब हमें जो कोई सा भी पोकेमोन मिलेगा, हम उस पर हमारा वाइन वीव अटैक करके देखेंगे। तो गाइस, ये रहे हमारे साथ के ट्रेनर्स। पता नहीं इस जर्नी में हमें कितनी बार मिल चुके हैं और कितनी बार मिलेंगे। गाइस, इनने शायद हमें कुछ दिया है। ओ, शायद हम इससे कॉल कर सकते हैं। गाइस, ये देखिए हमारी वीडियो 19 मिनट की बन चुकी है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और अब हमारे गेम प्ले को सेव कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमारे गेम प्ले को हमने सेव कर लिया है। मैं आपसे एक ही बात बोलूँगी कि प्लीज़ गाइस, मैं आपको बहुत ही रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ टू या थ्री वीडियो डाली है, अपलोड करी है, और उसमें मैंने देखा है कि कम से कम 3 या 4 लाइक है और बहुत बहुत ही कम व्यूज़ है और कम से कम 2 से 3 सब्सक्राइबर्स है। मुझे इसको देख के बहुत ही दुख हुआ। तो इसलिए गाइस, मैं प्लीज़ आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और मेरी अगली वीडियो भी देखेगा और हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, पूरी वीडियो देखेगा और उसकी अगली वीडियो भी देखेगा। इसलिए बाय।